हेलो दोस्तों, तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स विस्तार में देख रहे थे। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, इस तरह के हम लोग 37 टेस्ट अभी तक खत्म कर चुके हैं। ये आपका 38वां टेस्ट है। याद रखना है आपको कि जितने भी आपके इस तरह के टेस्ट होते हैं वो सभी आप जो लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे, वो आपकी प्ले लिस्ट सूची है जनरल स्टडीज के नाम से। ठीक है, तो चलिए 38वें टेस्ट में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। 38वें टेस्ट का आपका पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वायुमंडल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्तमान वायुमंडल में के विकास की पहली अवस्था, जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। ये आपका गलत है। सौर पवन के प्रभाव के कारण पृथ्वी का आदिकालिक वायुमंडल समाप्त हो गया है। ये आपका सही है। इसमें आपका दूसरा कथन सही है, पहला कथन आपका गलत है। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। जो आपकी अभी वायुमंडल की वर्तमान संरचना है, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की तीन अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था आधिकालिक वायुमंडलीय गैस का ह्रास है। प्रारंभिक वायुमंडल, जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर चला गया। वो ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं, वरन सभी जो भी आपके पार्थिव ग्रह हैं उनमें हुआ है। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर के प्रभाव के कारण आधिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया है या फिर समाप्त कर दिया गया है। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें जलवाष्प बाहर निकली, गैसें और जलवाष्प बाहर निकली। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत बने हैं। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ है। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई है। तो इसमें आपका दूसरा कथन केवल सही था। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, क्या है क्वेश्चन? भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूगर्भिक तरंगें उद्भव केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। सही है। पी और एस तरंगें तरंगों को धरातलीय तरंगें कहा जाता है। ये आपका गलत है। धरातलीय तरंगें भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होते हैं। ये तरंगें ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। ये भी आपका कथन सही है, यानी कि एक और तीन कथन इसमें सही है और जो दूसरा आपका कथन है ये आपका गलत है। इसमें सही क्या हुआ? जो पी और एस आपकी तरंगें हैं इन्हें हम लोग भूगर्भीय तरंगें कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगर्भीय गर्भीय तरंगें। जो आपकी पी तरंगें हैं तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें हम लोग प्राथमिक तरंगें भी कहते हैं। पी तरंगें ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। पी तरंगें आपके तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, गैस हो फिर चाहे तरल हो फिर चाहे ठोस हो। एस तरंगें हैं जो सेकेंडरी धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुँचती हैं। द्वितीयक तरंगें कहते हैं इन्हें, एस तरंगों को। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं। ठीक है, एस तरंगों की यह मुख्य विशेषता है कि ये ठोस पदार्थों के माध्यम से चलती हैं। तो इसमें आपका एक और तीन कथन सही था। क्या? सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है आपका तीसरा, क्या है क्वेश्चन? है हमारा तीसरा, ज्वालामुखी उद्गार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मैग्मा का बड़ा पिंड भूपरपट्टी
में अधिक गहराई पर ठंडा होकर एक गुम्बद के आकार में विकसित हो जाता है, जिसे हम लोग बैथोलिथ कहा जाता है। सही है, लेकुलिथ एक गुम्बदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टान है, जिसका तल समतल व एक पाइप रूपी बाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। ये भी आपका सही है। तीसरे क्वेश्चन में आपके दोनों कथन सही हैं, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, इस पॉइंट को आपको हर बार ध्यान से पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं इससे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या पूछ रहा है, सही नहीं है, लेकिन आपके दोनों कथन सही हैं इसमें, तो इसमें सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें होगा डी ऑप्शन, ना तो एक गलत है ना ही दो गलत, दोनों सही हैं। ठीक, तो इसमें डी होगा। क्वेश्चन है हमारा चार, क्या है क्वेश्चन नंबर चार है, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों को चट्टानों के पुराचुंबकीय अध्ययन महासागरीय तल के मानचित्रण ने विशेष रूप से उजागर किया है। मध्य महासागरीय घटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है, ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। सही है, महासागरीय घटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों का निर्माण का समय, संरचना और संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। ये भी आपका सही है, महासागरीय पर्वतपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय पर्वतपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक पुरानी, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर चार में आपके एक और दो कथन सही है और तीसरा गलत है। तीसरा क्या है, गलत है, महासागरीय पर्वतपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय पर्वतपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई है। महासागरीय पर्वतपट्टी की चट्टानें कभी भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन नंबर चार में आपका एक और दो कथन सही है, क्या है, एक दो कथन पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन है पाँच, मध्य एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित स्थानों पर को व्यवस्थित कीजिए। मध्य एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित स्थानों को व्यवस्थित करना है। सबसे पहला असगाबाद, फिर ताशकंद, फिर आपका बिश्केक, फिर अस्ताना। तो इसमें तीन चार, फिर आपका दो और फिर उसके बाद एक। तो इसमें क्या होगा, तीन चार दो एक, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा छठवा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। टी लाइट बे औषधि चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। सही है, टी लाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर छठवें में आपका दोनों कथन सही है, क्या है, दोनों कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा सात, क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भूभाग ग्लेशियर गतिविधियों से निर्मित हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन से भूभाग ग्लेशियर गतिविधियों से निर्मित हुए हैं, आप सर्क, एस्कर और हिमानी धोत, तीनों आपके सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर सात में आपके तीनों हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा आठ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंद ढालों पर नदियां यह भार वहन करने में असमर्थ होती हैं, तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाते हैं, जिसे हम लोग जलोढ़ पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख। आद्य जलवायु प्रदेशों में जलोढ़ पंख तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। ये आपका गलत है, इसमें केवल एक कथन आपका सही है, आठ का ए सही होगा, एक। आदि प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति या शरीर से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु
विदेशों में तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। ठीक है, तो आठवें क्वेश्चन में एक आपका ऑप्शन सही था, केवल एक कथन। क्वेश्चन है नौ, बाढ़ मैदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं, सही है। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित हैं, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नौ में आपके दोनों कथन सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा दस, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाले चट्टानें चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाते हैं, सही है। मरुस्थलीय प्रदेशों में उच्च धरातल आकृतिविहीन मैदान में परिवर्तित क्षेत्र को पेडिप्लेन पदस्थली कहते हैं, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके दोनों कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है, एक और दो दोनों सही हैं। क्वेश्चन है हमारा 11, निम्नलिखित युगों पर हमें विचार करना है, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है और इनमें सही सम्मिलित देखना है, स्थान हो गए और ये देश। त्रिपोली ये आपका लीबिया में सही है, काराकस इक्वाडोर ये आपका गलत है, आसाना ये यमन में है, ये आपका सही है। इसमें एक और तीन सही है, दूसरा आपका गलत है। क्या है दूसरा गलत है? जो काराकस है, काराकस ये आधिकारिक नाम सैंटियागो डी लियोन डी काराकस का है, ये वेनेजुएला की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। क्या है? वेनेजुएला की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, यह ग्रेटर काराकस क्षेत्र का भी केंद्र। तो इसमें आपका 11 में एक और तीन सही था, बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 12, पोलर वोर्टेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पोलर वोर्टेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पोलर वोर्टेक्स वोर्टेक्स उच्च दाब और ठंडी हवा का एक बेहद क्षेत्र है, सही है। वोर्टेक्स पद वायु के दक्षिणावर्त प्रवाह को संदर्भित करता है जो ठंडी हवा को ध्रुवों के पास रहने में मदद करता है, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके दोनों कथन सही है, क्या है दोनों कथन सही है। तो इसमें आपका 12 में क्या होगा, ए ऑप्शन। चलिए हम लोग बात करते हैं 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश लाल सागर की सीमा से बनाते हैं, सीमा बनाते हैं लाल सागर की, निम्नलिखित में से कौन से देश आपकी लाल सागर की सीमा बनाते हैं। इसमें आपका जिबूती है, सूडान है, ओमान नहीं है, यमन है। एक दो चार सही है, इसमें क्या होगा, एक दो चार, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 14, सबाना प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सबाना प्रकार की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सबाना प्रकार की जलवायु बारी बारी से वर्षायुक्त एवं शुष्क मौसम होता है, सही है। यह उष्णकटिबंधीय प्रकार के मौसम तक सीमित है, ऐसा मौसम सूडान में पाया जाता है, ये भी आपका सही है। गर्मियों में तटवर्ती हवाएं बारिश लाती हैं और सर्दियों में अपतटीय हवाएं जलवायु को सूखा करती हैं, ये भी आपका सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 में आपके तीनों कथन सही है, क्या है तीनों कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, क्या है डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 15, फेल्ड स्पर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सिलिकन तथा ऑक्सीजन सभी
फेल्ड स्तरों में उपस्थित होते हैं। ये आपका सही है, ग्रेनाइट का यह एक महत्वपूर्ण घटक है। ये भी आपका सही है। 15 का आपका दोनों कथन सही है। क्या है? सी ऑप्शन सही है, यानी कि दोनों कथन सही है। क्वेश्चन है हमारा 16, क्या है? विभिन्न प्रकार की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं मालवा से होता है। ये आपका सही है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण बहुत छोटे आकार के हो सकते हैं। ये आपका गलत है। सीली भवन प्रक्रिया के अंतर्गत सघनता व द्वारा संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका 1 और 3 कथन सही है, दूसरा आपका गलत है। दूसरे में होगा कि इसकी बनावट इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थों की भौतिक अथवा अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े आकार के हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका 1 और 3 सही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 17, पश्चिम से पूर्व तक यूरोप की निम्नलिखित नदियों को व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व तक यूरोप की निम्नलिखित नदियों को व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहली आपकी आएगी टेम्स, फिर आपकी सीन, फिर आपकी डेन्यूब और डॉन, यानी कि 1, उसके बाद आपकी 4 सीन, और उसके बाद 3 डेन्यूब और फिर डॉन, यानी कि 1 4 3 2 सही होगा इसमें। 1 4 3 2 यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? 1 4 3 2 यानी कि आपका सी। क्वेश्चन है हमारा अगला 18, क्या भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती है? आपकी क्या बताना है? समुद्र में नहीं मिलती है। लूनी, माचो, रूपेण, बनास, घग्गर, चारों नदियां आपकी समुद्र में नहीं मिलती हैं। फिर आखिर ये मिलती कहाँ है? भारत की नदियां जो 4 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, हिमालय की नदियां, फिर प्रायद्वीपीय नदियां और तटवर्ती नदियां, अंतरस्थलीय प्रवाह की नदियां। जो आपकी राजस्थान की कुछ नदियां समुद्र में नहीं मिलती हैं, वे नमक की झीलों में मिलकर रेत में समा जाते हैं क्योंकि इनका समुद्र की ओर कोई निकास नहीं होता है। लूनी, माचू, रूपेण, सरस्वती, बनास, घग्गर आदि शामिल हैं इनमें, जो कुछ दूरी तक बहकर मरुस्थल में खो जाती हैं। डी ऑप्शन इसमें था, 18 में आपका डी था। क्वेश्चन है आपका 19, उत्तर से दक्षिण की ओर अफ्रीका की निम्नलिखित मुख्य झीलों को व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर अफ्रीका की निम्नलिखित मुख्य झीलों को व्यवस्थित करना है। तो पहले आपकी अल्बर्ट झील आएगी, फिर आपकी विक्टोरिया, फिर आपकी तंगानिका झील, फिर मलावी। तो इसमें 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 यानी कि इसमें ए ऑप्शन होगा आपका। 19 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है हमारा 20, निम्नलिखित में किन्हें पंचम क्रियाकलापों के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किन्हें पंचम क्रियाकलापों के रूप में जाना जाता है? तो नीति निर्माण, नई तकनीकी का मूल्यांकन, सॉफ्टवेयर विकास, ये नहीं, नीति निर्माण है और नई तकनीक का मूल्यांकन। पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती हैं। प्रयास सर्ड कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक और उपक्रम विभाग है जो वरिष्ठ
व्यवसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान विज्ञानकों, वित्त एवं विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें आपका 1 और 2 था, यानी कि सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 21। समाचारों में नजर आने वाले सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली GSP संबंधित है आपकी, किससे संबंधित है? US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत के लिए वरीयता व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है, जिसमें अमेरिका सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली के तहत कुछ निश्चित निर्यात सीमा पर भारत से कोई शुल्क नहीं लेता है। ठीक है, तो इसमें आपका इनमें से कोई नहीं है। भारत के अलावा यूएस ने GSP लाभार्थियों की सूची से तुर्की को नाम वापस लेने का फैसला किया है। जो आपका सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली है या सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के लिए विस्तारित एक अधिमान्य प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत विकासशील देशों को विकसित देशों के बाजार में कुछ शर्तों के साथ न्यूनतम शुल्क तथा शुल्क मुक्त प्रवेश मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 22। क्या है राष्ट्रीय ग्रामीण रूपांतरण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका उद्देश्य मूल श्रृंखलाओं में महिलाओं के स्वामित्व एवं नेतृत्व वाली कृषि फार्मों और गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना है। सही है, इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये आपका गलत है, पहला कथन इसमें सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसमें आपका केवल एक कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा 23। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट विकसित करता है आपका ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। सी ऑप्शन सही होगा। ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी की जाती है। यही एक संयुक्त राष्ट्र का एक भाग है, जिसकी स्थापना 1997 में शुरू की स्थापित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 24। पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संदर्भ में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उपयोग जमाकर्ताओं की सुरक्षा, विश्व में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। सही है, बेसल 3 मापदंडों के तहत बैंकों को न्यूनतम 8% पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना होता है। ये भी आपका सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 में आपके दोनों कथन सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 25। क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन संबंधित है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन संबंधित है। RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। क्या है? खरीद और बिक्री। तो चलिए, ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसी तरह के अन्य क्वेश्चंस हम लोग लेते रहा करेंगे, ठीक है, आगे भी।